नाम जश्मी है, मैं आप सब लोग मुझे पहचानते ही हो। आज मैं आपको ओरिफ्लेम में जो है रिक्रूटमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ कि रिक्रूटमेंट जो होता है वो एवरी नाउ एंड मंथ आता ही रहता है। सो अभी एक रिक्रूटमेंट कैंपेन चल रहा है, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक ईमेल कर चुकी हूँ। कंपनी से भी आपको ईमेल आया होगा, मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ है। अगर फिर भी आपने नहीं देखा है सो मैं नीचे जो है मेरे ब्लॉग में मैंने डाला हुआ है, तो वो मैंने लिंक डाली हुई, आप प्लीज़ वो देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। रिक्रूटमेंट कैंपेन जो होता है उसको मोस्ट आप कैसे बना सकते हो, रिक्रूटमेंट कैंपेन जो होता है उसमें आप अपना एक लेवल इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे आप एक न्यू कंसल्टेंट हो, तो न्यू कंसल्टेंट ये रिक्रूटमेंट कैंपेन के थ्रू 6% बन सकता है। जिस अपने साथ 5-6 लोगों को जोड़ना है, उनको हेल्प करनी है, उनको जो है जब आप रजिस्टर करते हो तो रजिस्टर के साथ ही उनका एक पर्सनल ऑर्डर भी प्लेस करवाना है, जिससे उनका एक स्टार्टअप हो जाए, उनको एक नेक्स्ट मंथ का कैटलॉग मिल जाए। और जैसे ही वो ज्वाइन करके 30 डेज में अपने 100 पॉइंट कर लेते हैं, वैसे आप लोगों को ज्वाइन करते हो, उनके पॉइंट्स करवाते हो, तो आप एक 6% कंसल्टेंट भी बन जाते हो। एज अ लीडर आपको इसमें बहुत सारा गिफ्ट मिलती है जो कंपनी देती है, प्लस आपका इनकम स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि जैसे न्यू कंसल्टेंट है उनको एक इनकम मिलना चालू हो जाता है। तो इनकम में कैसे होता है कि आपको जो है अपना एक पैन कार्ड और अपना एक कैंसिल चेक NEFT फॉर्म के साथ भर के कस्टमर सर्विस में देना है। ये जस्ट नए कंसल्टेंट के लिए नहीं, ये आप अगर VIP कस्टमर्स हो उनके लिए भी सेम अप्लाई होता है। आपको जस्ट अपना एक डॉक्यूमेंटेशन देना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आप जो देना चाहते हो वो आप अपने प्रोफाइल में जाके अपलोड कर सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड, या तो फिर आप कस्टमर केयर में ईमेल भी कर सकते हो। 24 आवर्स में आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा और आपका अपडेट हो जाएगा। सो आप जब लोगों को साइन अप करते हो ऐसे, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी बेनिफिट्स मिलती है, बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलता है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं और भी आपको बता दे रहूँगी रिक्रूटमेंट के बारे में, आप आगे कैसे ओरिफ्लेम में बढ़ सकते हो इसके बारे में बताती रहूँगी। अगर ये वीडियो देख के आपको कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करती रहूँगी। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। बाय बाय।